हेलो एवरीवन, मैं श्वेता मैम। आज हम लोग क्राफ्ट वर्क करेंगे जिसमें हम लोग रैट बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 कलरफुल पेपर, 1 स्मॉल साइज ब्लैक पेपर, सीजर, स्टेपलर, फेविकॉल, स्केच पेन और पेंसिल। तो आइए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कलरफुल पेपर लेंगे, इसमें एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए, मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इस सर्कल को हम लोग कट करेंगे। अब हम लोग इसे हाफ फोल्ड करेंगे। इसे पूरी तरह से फोल्ड नहीं करना है, बस सेंटर पे से पुश कर देना है। सेम प्रोसेस हम दूसरे साइड से भी करेंगे। अब इसे ओपन करेंगे। देखिए, एक मार्क ड्रॉ हो गया है। ठीक है, अब हम सेंटर तक इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे इस तरह से रख करके इसे स्टेपल करेंगे। देखिए, रैट का बॉडी रेडी हो गया है। अब हम लोग इसका ईयर ड्रॉ करेंगे। ईयर ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक स्मॉल साइज का पेपर लेंगे, इसे हाफ फोल्ड करेंगे और इस पर हार्ट शेप ड्रॉ करेंगे। हार्ट शेप ड्रॉ करने के बाद इसे भी हम लोग कट कर लेंगे। अब इसे हम लोग ओपन करेंगे। देखिए, ये हार्ट से रेडी है। इसे हम लोग फोल्ड करेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इसे हम लोग ओपन करेंगे, इसे भी इस तरीका से फिट कर लेंगे। अब हम लोग इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए इसे ऐसे रखकर पेस्ट कर लेंगे। जिधर स्टेपल किए हैं वो उस साइड इसे ऐसे रखेंगे और इसे पेस्ट कर लेंगे। अब ईयर बनाने के लिए हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया था। सर्कल ड्रॉ करके इसको हम लोग बीच से सेंटर से इसे कट कर लेंगे। कट करेंगे तो ये साइज रेडी हो जाएगा। इसमें हम लोग ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद इसे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया। अब इसकी नोज को बनाने के लिए एक स्मॉल साइज का सर्कल इस पेपर से कट कर लेना है। ठीक है, मैंने पहले से कट कर लिया है। इस पर ग्लू लगाएं। ग्लू लगाने के बाद इसे यहाँ पेस्ट कर देना है। ये रैट का नोज हो गया। अब हम लोग इसका मुस्टैच बनाएंगे। मुस्टैच बनाने के लिए हम लोग एक पतला स्ट्रिप कट करेंगे। देखिए, मैंने पहले से स्ट्रिप कट कर लिया है। इसे हाफ फोल्ड ऐसे करेंगे। ठीक है, हाफ फोल्ड करने के बाद इसमें हम लोग ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद हम लोग इसे इसके अंदर इन करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। इसे हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। अब हम लोग इसका आई ड्रॉ करेंगे।
सर्कल छोटा सा बना लेंगे, इस पर इसे हम लोग फिल कर देंगे। देखिए इस तरह से आइस बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा आईलैशेस निकालेंगे। आईब्रो बनाएंगे। अब हम लोग इसका टेल बनाएंगे। टेल बनाने के लिए एक पतला स्ट्रिप कट करेंगे। कट करने के बाद इसे हम लोग ऊपर से थोड़ा सा राउंड फोल्ड करेंगे। अब इसे हम लोग ओपन कर देंगे। यहाँ पर हम लोग ग्लू लगाएंगे और इसके बैक में से पिन करके पेस्ट कर देंगे। ये आपका रैट रेडी है। देखिए ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। थैंक यू।